लास्ट फेज में 21 राज्य में 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत आपके सामने रख देती हूं। अब तक 16% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, यहां पर 18% मतदान हुआ है। बिहार की बात करें, जहां 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 14% से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, छिटपुट हिंसा के बीच 19% और महाराष्ट्र में 12% वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 16% और मध्य प्रदेश में 19% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 15% और उत्तराखंड में 15, तो आसाम में भी 16% मत पड़ चुके हैं। इस बार वोटर्स के मन में क्या है, कौन से मुद्दे जनता के बीच आकर्षण का केंद्र हैं, आखिर किन बातों को अपने जहन में रखकर मतदाता मतदान कर रहे हैं, ये वो हमारे संवाददाताओं से भी शेयर कर रहे हैं। महिलाएं सुबह से ही कतारों में नजर आ रही हैं, बेहद उत्साहित दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फर्स्ट फेज की वोटिंग के बीच अमरोहा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पर एक साथ हमला बोला। मोदी ने कहा, पिछले सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता था, घरों में मकान बिकाऊ है कि तख्ती लगानी पड़ती थी। आप इशारा समझ ही गए होंगे, ये इशारा कहां का था। साथियों, आप याद करिए, तुष्टीकरण के इसी खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगों की आग में जलाया था। यूपी के लोग गुंडा राज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। हमें दोबारा किसी भी कीमत पर उन ताकतों को मजबूत नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने अमरोहा के मंच से यह दावा किया कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मोदी ने योगी के नेतृत्व की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जनता ने 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने का मन बना लिया है। क्या आप ये 400 पार कह रहे हैं? बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो। अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहां योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है।
तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटने वाला है 2014 का भी और 2019 का भी।